स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम अपने इस ट्रेंडिंग भोजपुरी के प्रोग्राम में आप सभी के लिए जानकारी लेकर आते हैं, कुछ हटकर कुछ खबरें लेकर आते हैं हटकर, और वो सारी खबरें आपके सुपरस्टार्स और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी होती है। ज़्यादातर लोग उन फिल्मों पर ध्यान देते हैं, उस फिल्मों को देखना चाहते हैं, उस खबरों को जानना चाहते हैं। वो सारी खबर हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से फटाफट बता सकें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं खबर लेकर आई हूँ भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के बारे में। जब भी किसी फिटनेस हीरो की बात होती है तो हर किसी के जुबान पे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान अजय देवगन का नाम आता है, लेकिन इस बार प्रॉपर टक्कर देने के लिए आ चुके हैं हमारे खेसारी लाल यादव। बिल्कुल आपको दिखाएंगे आखिरकार अपने किस अंदाज के साथ खेसारी सलमान जैसे बॉलीवुड के बड़े स्टार को टक्कर देने की ठान चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी ऐसे हीरो की बात होती है जिनकी बॉडी दमदार हो तो सबसे पहले हर किसी के जुबान पर बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान का नाम हर किसी के जुबान पर आ जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के उस सुल्तान को टक्कर देने आ चुका है भोजपुरिया सुल्तान। जी हाँ, कल यानी कि 28 मई को खेसारी लाल यादव की इस साल की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म का दूसरा टीजर रिलीज हो गया, जिस फिल्म में खेसारी लाल यादव अब तक का सबसे हटकर अंदाज में वो नजर आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार की। जी हाँ, आपको बता दें 40 मिनट के इस टीजर में खेसारी की दमदार बॉडी को इस तरह से दिखाया गया है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि खेसारी को टक्कर देने वाला शायद ही अब कोई होगा। इसी के साथ इस टीजर को देखने के बाद एक बात और तो साफ हो गई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसमें खेसारी लाल यादव सबसे खास योगदान देंगे। वैसे इस समय पर खेसारी के इस टीजर को लाखों लोगों ने कुछ ही घंटों में देख लिया है। तो देखा आपने दोस्तों कि आखिर किस तरह से इन दिनों हमारे भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर रहे हैं, वो भी अपने फिल्म के जरिए। फिल्म का एक टीजर इतना धमाल मचा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि जब पूरी फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। खैर दोस्तों, ये तो आपको समय आने पर पता चल ही जाएगा। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि अपने फिल्मों की वजह से अपने गानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे जुबली स्टार यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का चर्चा में आने का जो वजह है वो है उनके परिवार, उनके बच्चे। बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहेंगे, कल जहाँ पर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव अपने सेट पर काफ़ी अपने बच्चों के साथ फिल्म के सेट पर दिखाई दिए थे, उनकी फ़ोटो उन्होंने शेयर की थी, तो आज वो आम्रपाली से मिलने उनके फिल्म के सेट पर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आम्रपाली के सेट पर कौन कौन से जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के साथ कौन कौन से वो कौन कौन से जो लोग थे उनके फिल्म को देखने पहुंचे थे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। भोजपुरी की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे इस समय पर अपनी नई फिल्म लागल रहा बताशा चाचा की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं, जिसकी कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। इसी के साथ आज खबर भी ऐसी भी आई है कि इस फिल्म के सेट पर आम्रपाली की शूटिंग को देखने पहुंचे हैं भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी अपने बच्चों के साथ। आम्रपाली की इस फिल्म की शूटिंग को देखने पहुंचे हैं, जिसकी कुछ फोटो निरहुआ ने अपने इंस्टा पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, सुपर विजिट ऑन द सेट ऑन लागल रहा बताशा चाचा विद बच्चा पार्टी। वैसे इससे पहले निरहुआ ने कल अपने बच्चों के साथ अपनी वेब सीरीज की शूटिंग की फोटो भी शेयर की थी, जिस फोटो में निरहुआ अपनी बेटी अदिति और कावर भी बच्चों के साथ वो नजर आ रहे थे। तो वहीं आज निरहुआ आम्रपाली के फिल्म के सेट पर बच्चों को लेकर पहुंच चुके हैं। खैर, निरहुआ इस समय पर अपने परिवार वालों के साथ काफी समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही वो अपने फिल्मों के काम को भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना वो ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ तो निकाल सके, पर क्या करें भाई, बीच में काम भी तो आ जाता है जिसे पूरा करना ज़रूरी होता है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर
यानी कि अरविंद अकेला उफ कल्लू के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद अकेला उफ कल्लू हाल ही में इनकी फिल्म आवारा बलमा रिलीज हुई है और अब खबर आ रही है कि भाई फिल्म के सेट पर अरविंद अकेला उफ कल्लू को प्यार हो गया था हीरोइन से और उन्होंने उसी वक्त शादी कर ली। बिल्कुल ये खबर ट्रेंडिंग में है, यानी ये खबरें सुर्खियां काफी ज्यादा बटोर रही है। तो हम अपने आपको प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं कि क्या वाकई में अरविंद अकेला उफ कल्लू को किसी से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि फिल्म के सेट पर उन्होंने शादी कर ली। बिल्कुल ये जानकारी लेना काफी ज्यादा जरूरी है और मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा उत्सुक भी होंगे इस खबर को जानने के लिए। तो बिना देर किए आप सभी को बिना इंतजार करवाए दिखाते अपने खास रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री की यंग दिलों के धड़कन अरविंद अकेला कल्लू के इस साल की सबसे बड़ी फिल्म आवारा बलमा का 25 मई को रिलीज कर दिया गया है। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कल्लू की इस फिल्म के सेट के एक फोटो आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है और फोटो में कल्लू अपनी फिल्म की हीरोइन तनुश्री के साथ शादी करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, कल्लू की ये फोटो शेयर हुई है जो बिल्कुल सही है, लेकिन जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वो गलत है। दरअसल में कल्लू की इस फिल्म में उन्हें तनुश्री से प्यार हो जाता है, वो उनके से शादी करना चाहती हैं और तनुश्री से शादी करने के लिए वो ना जाने कितने लोगों से लड़ाई कर लेते हैं। और वैसे इस तरह की कहानी के साथ फिल्म की कहानी को दर्शाया गया है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात करें कल्लू की आने वाली फिल्म के बारे में तो कल्लू अपनी फिल्म राजनीति की इस समय पर काफ़ी जोरों शोरों से शूटिंग कर रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार और भोजपुरी इंडस्ट्री के यंग दिलों की धड़कन अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों को खूब सारी सुर्खियां बटोर रहे हैं। और भाई इनकी शादी की खबरें कितनी सच थी और क्या क्यों इसे दर्शक देखने के लिए इतना बेताब थे, हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में बता ही दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव की बेटी कृति के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है दुल्हन गंगा पार रिलीज होने के बाद भोजपुरी की नंबर वन एक्ट्रेस को बीट कर दिया है, यानी कि उन्हें हरा दिया है खेसारी की छोटी सी बेटी कृति ने। भाई ये खबर तो खैर समझ में आती नहीं, क्योंकि कहाँ एक तरफ बॉलीवुड की भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो वहीं दूसरी तरफ कृति जिसने तो अभी करियर की मात्र शुरुआत ही की है। लेकिन क्या वाकई में ये खबर सच है, क्या वाकई में इस कृति ने आम्रपाली को मात दी है, ये सारी जानकारी ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताते हैं आप सभी को। देखिए हमारी खास भोजपुरी इंडस्ट्री की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे, जो कि भोजपुरी की नंबर वन एक्ट्रेस भी मानी जाती हैं, उन्हें लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है कि आज आम्रपाली हार चुकी है छोटी सी बच्ची यानी कि खेसारी लाल यादव की बेटी कृति से। जी हाँ, आप लोग समझ चुके हैं कि आखिर हम किस खबर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ खेसारी लाल यादव की फिल्म दुल्हन गंगा पार के, जिस फिल्म में जहाँ आम्रपाली ने खेसारी के साथ एक गाने में जमकर डांस किया है और लोगों के दिल जीतने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ कृति ने इस फिल्म में पहली बार बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। लेकिन अगर बात करें दर्शकों की तो दर्शकों को आम्रपाली का ये फिल्म में उनका डांस और उनका अंदाज तो पसंद आया ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा लोगों को कृति की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई है, ऐसे खबरों के अनुसार कहा जा रहा है। वैसे जिस तरह से इस फिल्म के बाद कृति की वाहवाही हो रही है उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि कृति ने पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में या पहली बार फिल्म में एक्टिंग की थी। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों बहुत सारी हलचल मची हुई है, बहुत सारी खलबली मची हुई है। चाहे हम इंडस्ट्री के किसी स्टार की बात कर ले, फिल्म की बात कर ले, गाने की बात कर ले, भाई कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, तभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। खैर दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रियल हीरो यानी कि हमारे दर्शकों की। जी हाँ, दर्शकों में हमारे पास सबसे पहला मैसेज आया है जेके जीतू का, जिन्होंने लिखा है कल्लू बेस्ट है। बिल्कुल उनका कहना है कल्लू जी सुपरस्टार हैं और वाकई में अरविंद अकेला उफ कल्लू ने जितनी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाया है वाकई में वो सुपरस्टार कहलाने के लायक है। और थैंक यू सो मच जीतू जी, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा और इसे पसंद किया। ऐसे ही कमेंट लाइक शेयर करते रहिए, हमारे कमेंट पर जानकारी देते रहिए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा
और वो प्रोग्राम से जुड़ी कोई खास जानकारी लेनी हो, आपको इंडस्ट्री से जुड़ी कोई खास बात पूछनी हो, तो वो भी आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सभी सवालों का जवाब दे सकें। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, और भोजपुरी इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारा चैनल लाइफस्टाइल न्यूज भोजप्रिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो फटाफट आप सभी तक पहुंच सके और कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो अगर जो आप इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।